नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए जान लेते हैं दिन भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें। नेतन्याहू के खिलाफ बाइडन की तीखी टिप्पणी, कहा बाहरी बमबारी की वजह से वैश्विक समर्थन खो रहा इसराइल। बाइडन ने आगे कहा कि वो इसराइल के इतिहास की सबसे रूढ़िवादी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू को अब बदलना होगा। नेतन्याहू मामले को बहुत कठिन बना रहे हैं। हमारे पास क्षेत्र को एकजुट करने के अवसर हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि फिलिस्तीन राज्य नहीं है। यूएन महासभा में युद्ध विराम प्रस्ताव पारित। भारत समेत 153 देशों ने पक्ष में किया मतदान। 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया जबकि 23 सदस्य अनुपस्थित रहे। युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इसराइल, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी और पारागुआ शामिल है। बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी ने किया आम चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान। शेख हसीना की आवामी लीग को हो सकता है फायदा। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नए साल की शुरुआत में ही आम चुनाव होना है। कहा यह भी जा रहा है कि आवामी लीग लगातार चौथी बार सरकार बना सकती है। पाकिस्तान के नेताओं को चुनने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। आम चुनाव से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की सफाई। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न देशों में निर्वाचित नेताओं और सरकार के साथ काम करते हैं। एक पत्रकार ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा था, अमेरिका ही इस पुराने भ्रष्ट आपराधिक नेताओं को पाकिस्तान से वापस लाया था। यूके में भारतीय मूल के दंत चिकित्सक विनय को कंजर्वेटिव पार्टी ने ऑक्सफोर्ड से बनाया उम्मीदवार। उन्होंने कहा कि मैं अपने NHS मरीजों के लिए काम करता हूं। अब ऑक्सफोर्ड वेस्ट और एबिंगडन के लिए काम करने का समय आ चुका है। इस तरह से एक बार फिर से ब्रिटेन में भारतवंशी अपना परचम लहराने जा रहे हैं। इसराइल द्वारा लड़ाई में लेबनान पर सफेद फॉस्फोरस के इस्तेमाल की खबरों से अमेरिका परेशान। हड्डियों तक जला सकता है ये केमिकल। सफेद फॉस्फोरस के हमले से 9 आम नागरिक घायल हुए थे और मानवाधिकार संगठनों की मांग है कि इस मामले की युद्ध अपराध के तौर पर जांच की जानी चाहिए। आत्मसमर्पण करने वाले हमास के आतंकी कर रहे हैं दिलचस्प खुलासे। इनमें कई आतंकी वो भी हैं जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हमास की जो बटालियन बेहद खतरनाक मानी जाती थी, जो जबालिया और सेजिया बटालियन खत्म होने के कगार पर है। इजरायली सेना ने बताया कि हमास के खिलाफ लड़ाई में अभी तक उसके 104 सैनिक मारे गए। 7 सैनिक सोमवार को मारे गए। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से बौखलाया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने फैसले की आलोचना करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण निर्णय बताया। शरीफ ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ फैसला देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। बाइडन से 2 प्रमुख राज्यों में ट्रंप आ गए। 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पोल में चौंकाने वाले नतीजे। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होंगे। मिशिगन, जॉर्जिया 2 अहम राज्य हैं। दोनों राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति बाइडन से मुकाबले में मजबूत स्थिति में हैं। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।